अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं तो कहता हूं ये गरीब लोगों का होना ना इस दुनिया पे ही दाग है। मेरा नाम से आता है, इसका बदलाना मैं लेकर आऊंगा। तुमसे जुड़ी है डोर पुरानी प्यार। कुमुद जी अगर इस शहर में है तो अगस्त्य भी इस शहर में होगा। पता था कि अगस्त्य इस शहर में नहीं है तब तक उसका इंतजार करना भी इतना मुश्किल नहीं लगता था। लेकिन जब से पता चला है कि वो इसी शहर में है, एक पल भी इंतजार करना बहुत मुश्किल लगता है। दिल की धड़कन ऐसे दौड़ती है जैसे राजधानी की तरह भागने लगी हो। ऐसी बेचैनी होती है जैसे कि सर पे कोई बुखार चढ़ गया हो। क्या इसे ही प्यार कहते हैं कान्हा जी? जो भी है कन्नू जी, ये प्यार हो या बुखार हो, आपने ही हमें दिया है और इसका इलाज भी अब आपको ही करना होगा। प्लीज कोई चमत्कार करो ना, उससे हमको मिलवा दो ना। प्रॉमिस, हम आपके फेवरेट कलर की धोती आपको पहनाएंगे और खुद भी उसी कलर का सूट पहनेंगे। येलो, खुशियों का रंग, पीला। अच्छा पहल दी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? माँ बता रही थी कि आप शाम को पार्टी में नहीं आओगे। अगर आप पार्टी में नहीं आए ना तो पार्टी कैंसिल। फिर देखो अगस्त्य, जिद मत करो, मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा सकती। बस इतनी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको चेहरा नहीं दिखाना ना, तो कोई भी चेहरा नहीं दिखाएगा। जो चाहे मम्मी को मत बताना। मम्मी को ये फोन अपने मंगल सूत्र से भी ज्यादा प्यारा है, अगर इसे कुछ हो गया ना तो मुझे तो कबाड़ में बेच देगी। इसको खोल, फोन खोल। खोल क्या फोन? जल्दी जल्दी इंटरनेट से कुमुद जी का नंबर निकालो। ये गरीब लोग ना किसी के सागे नहीं होते हैं। मैं तो कहता हूं ये गरीब लोगों का होना ना इस दुनिया पे ही दाग है। कुमुद जी आप यहाँ बैठे हैं, पार्टी शुरू होने वाली है, मेहमान आते होंगे और आप इस तरह यहाँ पे। हमारा बेटा गरीबों से कितनी नफरत करने लगा है, कितनी कड़वी बातें करने लगा है। उस राक्षस ने कुछ पैसों के लिए जो उसकी बहन के साथ किया ना, उसके बाद कौन सा भाई नफरत नहीं करेगा। लेकिन एक इंसान की गलती की वजह से सबको दोष देना ये भी तो ठीक नहीं है ना। डरती हूँ कि कहीं उसकी ये नफरत उसके जीवन को कड़वा ना बना दे, उसके रिश्तों में अड़चन ना ले आए। कुमुद जी, हमारे बैंकिंग सेक्टर में जब भी मंदी आती थी ना, जब सारे सेक्टर्स डाउन हो जाते थे, तब सरकार कोई ना कोई योजना लाती थी। कल्याणकारी योजना, मुद्रा योजना, महिला बचत योजना, और बाद में सब कुछ पटरी पे आ जाता था। हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है, जब भी मंदी आ जाए
ऊपर वाला कोई ना कोई कल्याणकारी योजना जरूर लाता है और फिर सब कुछ पटरी पे आ जाता है। हमारे लिए भी वो कुमुद योजना जो लाया था। हमें पता है अगस्त के जीवन में वो कौन सी कल्याणकारी योजना लाने वाले हैं। अवंतिका योजना। बड़ा अफसोस है किरण जी से उनका नंबर नहीं ले पाए। हे गंगा मैया, कोई तो चमत्कार कर दो। ये क्या हो रहा है हमारे सुख दुख के साथी के साथ? हाँ, ये तो किरण जी की आवाज लग रही थी। हे गंगा मैया, इतनी तत्काल सेवा, आप महान हैं। आज तक तो आपने हमें कोई चीज लेकर नहीं दी। एक ही खुशी बच गई है, ये हमारा फोन, उसका भी बंटा धार कर दो। और कौन? हेलो, कौन? तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं गई किरण, खुद ही फोन करती हो और पूछती हो कि कौन बोल रहा है। कुमार का फोन है। बहुत अच्छा किया कि तुमने कॉल किया, हम वैसे भी तुमसे बात करना चाहते थे। पता है आज अगस्त का जन्मदिन है और हम चाहते हैं कि तुम जरूर आओ पूरे परिवार के साथ। सुना, एक बार मिली है, बार बार मिलने के लिए तरस रही है। जानती है ना, ज्यादा वक्त साथ में बिताएगी तो दो चार कंपनी और खुलने का आइडिया मिल जाएगा। देख लिया ना कितनी चालाक औरत है, आपको बड़ी अच्छी लगती है। आप नहीं तो और कौन? अरे कुमुद, तूने अगर पहले कहा होता ना तो हम आ भी जाते। आज तो हमें प्रयागराज के महापंडित जी है ना, उनके वहां जाना है। अरे वो जिद करने लगे कि उनके पोते को शहद किरण ही चटाए, क्योंकि अगर किरण शहद चटाएगी तो उनका दिमाग भी किरण के जैसे चलेगा और फिर ऐसे ऐसे आइडिया आएंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां खुल जाएंगी। हाँ, माफ करना। हम ये सब कुछ नहीं सुनने वाले। हमारी इतनी पुरानी सहेली और आज हमारे बेटे के जन्मदिन पर ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुनो, तुम्हें आना ही होगा, मैनेजर बता देगा कि पता क्या है, ठीक है? सुन लिया ना, इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन कैसे गिड़गिड़ा रही है हमारे सामने, और आपको हमारी कदर ही नहीं है। कुमुद, मैं सोच रही थी कि वो हम कुछ नहीं सुनने वाले। तुम्हें आना ही होगा किरण। अरे भैया, जल्दी से नए कपड़े निकाल लो, चौचक पार्टी में जाना है आज। कौन सी पार्टी? अरे बेटा, कुमुद जी ने बुलाया है, अगस्त के जन्मदिन की पार्टी है। अच्छा। हाँ। मम्मी, हम जा रहे हैं ना पार्टी में? अरे जरूर जाएंगी, तेरी मम्मी के लिए ऐसी पार्टियों में जाना किसी तीर्थ स्थान पे जाने से कम नहीं है। ऐसे महाअमीरों के दर्शन करना महादेवियों के दर्शन करने से कम नहीं है, और ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना आसमान में उड़ने से कम नहीं है। जरूर जाएंगी। अरे मुंह क्या देख रहे हो, चलो चलो तैयार हो जाओ जल्दी। हाँ पापा, चलो भैया जल्दी। चलो अवंतिका, तैयार हो? चलिए आप भी चलिए। क्या यार, मैं बस रेडी होने ही वाली। एक्चुअली मैं वो चाची जी का वेट कर रही थी, वो किसी ब्यूटिशियन को बुलाने वाली है। पता, वो कह रही थी कि प्रयागराज में उससे बेटर ब्यूटिशियन और कोई नहीं, पर पता नहीं वो कहाँ रह गई, काफी देर हो गई है। ओके, लेट मी फिगर आउट। हाँ हाँ, हमने फोन किया था। हाँ, लेकिन क्यों किया था, याद ही नहीं आ रहा। हाँ, वो चाची। Thank you.
हेलो हेलो आज एक पार्टी है, ब्यूटीशियन की जरूरत है। एड्रेस नोट करो। सर आ जाना मुश्किल है, हमें किसी दोस्त के जन्मदिन पर जाना है। हार्ड बार्गेन कर रही हो। डबल पैसे दूंगा। सॉरी सर, बात पैसों की नहीं है, लेकिन जहां हम आज जा रहे हैं उसके बदले अगर कोई हमें लाखों करोड़ों रुपए भी देना तो भी हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे। एक बार फिर से सोच लो, यहां नहीं आई तो बहुत पछताओगी। नहीं सर, जिसके घर हमें जाना है अगर वहां नहीं गए तो बहुत पछताएंगे। आप चाहे तो हम आपको किसी और का नंबर दे सकते हैं। अरे इतना गुस्सा, फोन ही काट दिया। लेकिन हम क्यों इस फोन वाले के बारे में सोचें, हमें तो अपने अगस्त्य के बारे में सोचना चाहिए ना, है ना फणेश्वर भैया? हो सकता है वो भी हमारे बारे में सोच रहा हो, अच्छी अच्छी बातें कर रहा हो। गरीब लोगों की ना बस यही प्रॉब्लम है, पर्सनल मैटर्स में इतना बिजी रहना है कि प्रोफेशनल काम में इंटरेस्ट ही नहीं है इन्हें। ब्लडी काम चोर। मैनेजर, अवंती, ये हमारे जूते साफ कर दो, बहुत गंदे हो गए हैं। हाँ हाँ भैया, हम कर देते हैं। अवंतिका बेटे, तूने कहीं आयरन देखी क्या? हाँ पापा, एक मिनट, हम कर देते हैं इसको, दीजिए। नहीं नहीं, मैं कर लूंगा। पापा हमें दे दीजिए, हमें दो मिनट लगेंगे। अरे तुझे तैयार भी तो होना। कोई बात नहीं पापा, दीजिए। हम प्रार्थना करेंगे भगवान तुझे देखकर जल्दी मुस्कुराए और अगस्त तुझे इस घर से ले जाए। माय ब्यूटीफुल मदर इंडिया। नजर ना लगे तुझे। ये कौन सी साइंस है नजर स्टडीज, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है? माँ अगर ये काला टीका लगाने से कुछ फर्क पड़ता होता ना, तो ये इतने सारे देशों को ना ही कोई डिफेंस सिस्टम बिल्ड करने की जरूरत पड़ती, ना ही मेडिसिन बनानी पड़ती, ना ही कोई वैक्सीनेशन, राइट? प्लीज माँ। कहा था ना मैंने, नीचे भी आएंगी और पार्टी में भी आएंगी।
That's like my sister. अब तो अपने भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करोगी ना? मैनेजर, यस सर, ये मास्केरेड पार्टी है, जितने भी लोग आएंगे सब मास्क पहनेंगे, तो जाके अरेंज करो। जी सर, सर ये पार्टी की लिस्ट है, प्लीज चेक कर लीजिए। अच्छा, इसमें किरण सिन्हा और सुधीर सिन्हा विद फैमिली, इनका नाम जरूर लिख लेना। जी। और खास करके अवंतिका सिन्हा का। ये कौन लोग हैं माँ? ये बताया तो था, किरण जी, सुधीर जी, अवंतिका के मम्मी पापा। ओ, वो फिफ्थ क्लास वाली अवंतिका। माँ, ये बर्थडे पार्टी के साथ साथ बिजनेस पार्टी भी है। उन लोगों का बिजनेस पार्टी में क्या फायदा? हर बात सिर्फ फायदे और नुकसान के लिए नहीं होती बेटा। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी अवंतिका फाइनली इस पार्टी में आएगी। मेरी अवंतिका? कम ऑन माँ, मुझे उसकी शक्ल भी याद नहीं अच्छे से अभी। एक बार उसे देखोगे सब कुछ याद आ जाएगा। कैसे तुम दोनों एक साथ बचपन में खेला करते थे, बातें करते थे, उसका तुम्हें नचड़ा कह के बुलाना सब कुछ याद आ जाएगा। 15 साल हो गए तुम्हें मिले हुए, ना जाने तुम अब कैसे दिखते होंगे, कैसे बोलते होंगे। सच कहें तो हमने तो तुम्हें कभी याद ही नहीं किया, क्योंकि इतने सालों में हम तुम्हें कभी भूले ही नहीं। मम्मी, आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए ना। एक मिनट। हेलो, गुड इवनिंग मैडम, मैं कुबोध मैडम का हाउस मैनेजर बात कर रहा हूँ। मैडम का ऑर्डर है कि पार्किंग फुल होने से पहले आपका नाम लिस्ट में ऐड कर दिया जाए, सो प्लीज अपनी कार का नंबर बता दीजिए। क्या जानना चाहती है तुम्हारी मालकिन? हाँ, ये हमारी हैसियत क्या है? तो लिखो, लिखो कि किरण हेलीकॉप्टर में आएगी और सीधा उसके बंगले की छत पे उतरेगी। लिखो और कर लो ये सारे इंतजाम। क्या आप हेलीकॉप्टर से आएंगे? आ सकते थे। संजय मालिया का रिश्ता आया था हमारे लिए, लेकिन हमारे बाबूजी ने मना कर दिया। कहे कि लड़का दारू की भट्टी चलाने वाला है, कभी भी छोड़ छाड़ कर भाग जाएगा। और देखो वही हुआ, देश छोड़ कर चला गया। अच्छे से जानते हैं हम कि कुमुद हमें पार्टी में क्यों बुला रही है। हमें नीचा दिखाना चाहती है, हमारी हैसियत नापना चाहती है। हमसे कार का नंबर इसलिए मांग रही थी ये जानने के लिए कि हमारे पास कार है कि नहीं है। अच्छे से जानते हैं हम। तुम गलत समझ रही हो। सही समझ रहे हम, ज़्यादा साइज़ मत लो उसकी, सही समझ रहे हम। कोई नहीं जाएगा इस पार्टी में। चूल्हे में गई ये पार्टी और चूल्हे में गई कुमुद। अरे, हमने अपना 3 पत्ती का मैच कैंसिल करवा दिया, हम तो जाएंगे। और शहर की सबसे बड़ी पार्टी है, अगर वहां से हम लाइव करेंगे ना तो पूरे 500 फॉलोअर्स बढ़ेंगे हमारे। हम तो जा रहे हैं पार्टी में। तुम्हारे इसी खोखले घमंड की वजह से हम सबका यह हाल हुआ है। रहती रहो तुम अपने घमंड को गोद में लिए हुए। हम सब जा रहे हैं, अवंतिका भी जाएगी। तुम लोग चलने की तैयारी करो। लेकिन मम्मी, पापा कुछ नहीं होगा, रोज का नाटक है उसका। नहीं माँ, ये तो केरोसीन है।
कुछ नहीं होगा। माँ तुम क्या कर रही हो? ऐसे नाटक बहुत देखे मैंने। माँ ये क्या कर रही हो? माँ, भैया, रिश्ता देखो ना मम्मी क्या कर रही है। माँ अगर कोई उस पार्टी में गया हम खुद को जला देंगे। उस पार्टी में तुम हमारी इज्जत विसर्जित करोगे तो घर वापस आकर हमारी अस्थियां विसर्जित कर देना। इस अपमान में जलने से तो अच्छा है कि हम खुद को आग लगा के भस्म करते। और हम कोई धमकी नहीं दे रहे, हम सच में खुद को स्वाहा कर देंगे। नहीं मां। और ये सारी दुनिया जानती है कि किरण जो कहती है वो करती है।